चाहे टीचर एजुकेटर हो या ट्रेनर या मैनेजर हो, हर कोई इस चीज में इंटरेस्टेड होता है कि वो कैसे अपने इंस्ट्रक्शंस को लर्नर की एबिलिटीज के साथ मैच करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हमारी इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस होंगी लर्नर की एबिलिटी से मैच करेंगी तो हम एक से दूसरी एक्टिविटी पर जाते समय लर्नर की एबिलिटीज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हमने कई तरह के मॉडल्स ऑलरेडी पढ़े हैं, कुछ बिहेवियरिस्टिक मॉडल, कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मॉडल। टीचर के लिए दोनों ही लर्निंग थ्योरीज को जानना जरूरी है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज भी लर्निंग में बहुत हेल्प करती हैं, बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज भी बहुत हेल्पफुल हैं। आज जो हम मॉडल पढ़ने वाले हैं, यानी गेने का इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल, जिसे निर्देशात्मक डिजाइन का मॉडल भी कहा जाता है, ये अध्यापक को या मैनेजर को या ट्रेनर को उन इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स को अरेंज करने में मदद करता है जो कि लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाते हैं। इसी मॉडल को कंडीशंस ऑफ लर्निंग मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्टर को हेल्प करता है उन सभी नेसेसरी कंडीशंस को समझने में जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित है या बिहेवियर ऑफ लर्नर से संबंधित है, लेकिन किसी ना किसी तरह से आउटकम्स ऑफ लर्निंग को प्रभावित करती हैं। जब भी कोई हम इंफॉर्मेशन या स्टिमुलाई किसी लर्नर को प्रेजेंट करते हैं और वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, तो उसके पीछे क्या मेंटल इवेंट्स होते हैं, ये मॉडल हमारी उन इवेंट्स के बारे में भी समझ बनाता है। तो हम मॉडर्न मॉडल्स ऑफ टीचिंग में प्लानिंग फॉर अडेप्टिव इंस्ट्रक्शंस के मॉडल पढ़ रहे हैं, और आज हम करने वाले हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का मॉडल। और इस मॉडल में जो इम्पोर्टेंट की कॉन्सेप्ट आते हैं या इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं, उनके बारे में हम आज अपनी समझ को बेहतर करेंगे। इस मॉडल में टाइप्स ऑफ लर्निंग को डिफाइन किया गया है, यानी कितनी तरह की लर्निंग होती है, प्लानिंग की क्या जरूरत है इंस्ट्रक्शंस में, जब इंस्ट्रक्शंस की जाती हैं तो उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, और हम अपने इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, यानी परफॉर्मेंस कैटेगरीज क्या हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानकारी लेंगे कि इस मॉडल की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले जानकारी लेते हैं रॉबर्ट एम गेने के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 1916 से 2002 तक का है। इनको पायनियर ऑफ साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। इन्होंने 1965 में एक बुक पब्लिश करी जिसे कंडीशंस ऑफ लर्निंग के टाइटल से जाना जाता है। इस बुक में इन्होंने गुड इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन किया, इन्होंने उन मेंटल कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया जो कि इफेक्टिव लर्निंग के लिए जरूरी हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन टर्म को पहली बार प्रयोग में लाया। रॉबर्ट एम गेने असल में एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने अमेरिका में आर्मी एयर कॉर्प्स के पायलट्स को ट्रेनिंग दी। तो उस ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने जिस तरह से जो मेथड्स यूज किए या जो इनके एक्सपीरियंसेस हुए, उसको इन्होंने इस बुक में एक मॉडल के रूप में प्रेजेंट किया है। गेने ये एज्यूम करते थे, जिसे गेने अजम्पशन भी कहा जाता है, गेने ये मानते थे कि लर्निंग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन कंडीशंस डिफरेंट तरह के लर्निंग को फैसिलिटेट करती हैं। यानी क्योंकि लर्निंग डिफरेंट तरह की होती है, इसलिए लर्निंग के लिए लर्निंग कंडीशन भी डिफरेंट तरह की होती हैं। इन्होंने लर्निंग को डिफाइन किया एज अल्टरेशन इन इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज एंड डिस्पोजिशन। यानी लर्निंग वो है जिससे लर्नर की कैपेबिलिटीज में इम्प्रूवमेंट आए या उसकी सोच में या डिस्पोजिशन में चेंज आए। अब ये जो चेंजेस होते हैं, ये नेचुरली काफी लंबे समय तक बने रहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये सारे चेंजेस को हम सिर्फ मैच्यूरेशन या जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड नहीं समझ सकते। मतलब इनमें एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट है, लर्नर के अपने कैरेक्टरिस्टिक का भी रोल है और टीचर की इंस्ट्रक्शंस का भी रोल है। इनका ये जो मॉडल है, ये आजकल बहुत यूजफुल हो गया है, क्योंकि ये मॉडल यूज किया जाता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में और मल्टीमीडिया बेस्ड लर्निंग में, क्योंकि इसका प्रयोग अब ज्यादा होने लगा है, इसलिए इस मॉडल का भी उपयोगिता ज्यादा बढ़ गया है। इस मॉडल में लर्निंग के 8 अलग अलग प्रकारों को बताया गया है, यानी 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में बात की गई है। और ये जो सभी 8 प्रकार हैं, ये सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ अरेंज्ड है, यानी एक हायरार्कियल वे में एक क्रमवार तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं। पहले के 4 मॉडल कंपैरेटिवली सिंपल है और अगले 4 मॉडल जो हैं ये कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर बेस्ड है।
पहले चार जो टाइप्स हैं उनमें आता है सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, मोटर चेन लर्निंग और वर्बल इंफॉर्मेशन। ये चारों ही प्रकार का अधिगम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं सिग्नल लर्निंग के। सिग्नल लर्निंग मतलब जिसको संकेत लर्निंग या संकेत अधिगम भी कहा जाता है, यानी इशारे से ही जो लर्नर है वो समझ आता है और प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाता है। तो ये ऐसे कंडीशनल रिस्पॉन्सेज हैं जैसे कि हमने पावलोव डॉग के क्लासिकल कंडीशनिंग के एग्जाम्पल्स में पढ़े थे। तो इसमें लर्नर को किसी भी वर्बल क्लू की जरूरत नहीं होती, यानी इशारा किया और लर्नर ने सही रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिया। अगर हमें सिग्नल के साथ वर्ड्स भी यूज करने पड़े तो उसको तो फिर हम सिग्नल लर्निंग नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, रेड लाइट को देखते ही हम रुक जाते हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। दूसरा जो प्रकार है दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। इसमें रिस्पॉन्स तब जनरेट होता है जब एक प्रॉपर स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको एसआर थ्योरी भी बोला जाता है, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन फॉर्म करने को लर्निंग कहा जाता है। अब इसमें एग्जांपल आ जाता है जैसे थॉर्नडाइक का कैट एक्सपेरिमेंट है, जिसको हमने स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल में भी पढ़ा था। अध्यापक इसको प्रयोग में लाते हैं बाय स्ट्रेंथनिंग द एसआर बॉन्ड। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बॉन्ड को री एनफोर्समेंट के द्वारा जब हम स्ट्रेंथन करते हैं, उसको पक्का बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग। थर्ड इज मोटर चेन लर्निंग। मोटर चेन लर्निंग मतलब जब हम कई सारे स्टिमुलस इन चेन प्रोवाइड करते हैं और लर्नर इन सभी स्टिमुलस में कनेक्शन बना के एक कॉम्प्लेक्स स्किल को सीख पाता है या एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर पाता है। अब क्योंकि इसमें कई सारे स्टिमुलस हैं जो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए इसको श्रृंखला अधिगम कहा जाता है। अब ये जो स्टिमुलस है ये वर्बल भी हो सकते हैं, यानी वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, यानी पिक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्बल इंफॉर्मेशन। वर्बल इंफॉर्मेशन मतलब जब हम शब्दों का सहारा लेते हैं, यानी शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इसमें हम सिंबल्स को यूज करते हैं या वर्ड्स को यूज करते हैं। अब ज्यादातर हम सिंबल्स कहाँ यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, लैंग्वेज भी सिंबल्स हैं। तो इस तरह का लर्निंग का तरीका जिसमें सिंबल्स यूज हो या लैंग्वेज यूज हो जिससे आइडियाज या रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सके, दैट विल बी कॉल्ड एज वर्बल इंफॉर्मेशन। अब इसमें हमने डेविड आर्चिबॉल्ड का मॉडल पहले से पढ़ा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटरी। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटरी मतलब विभेदी अधिगम। डिस्क्रिमिनेट मतलब दो चीजों में अंतर कर पाना। तो ये ऐसा तरीका है लर्निंग का जिसमें डिफरेंट रिस्पॉन्सेस के प्रति डिफरेंट स्टिमुलाई प्रोड्यूस हो सकते हैं और लर्नर चूज कर सकता है अपने रिस्पॉन्स को फ्रॉम मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। अब ये जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये ऑब्जेक्ट्स को चूज करने में भी हो सकती है, फीचर्स या सिंबल्स को चूज करने में, किसी भी तरह का अगर हम डिस्क्रिमिनेशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जब फोनेटिक्स को सीखते हैं, यानी आवाज में भेद करना सीखते हैं, तब हम क्या सीखते हैं कि भ ब और म में किस तरह के प्रयोग में अंतर आता है। तो आमतौर पर डिस्क्रिमिनेटरी अधिगम ये कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्चुअल करेक्टरिस्टिक, यानी जो देखने से नजर आता है या बाहर से समझ में आता है। लर्नर उन कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर पाता है या नहीं कर पाता है, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या वो उन कैरेक्टरिस्टिक में भेद कर पाता है या नहीं कर पाता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज द कैटेगरी रिलेटेड टू कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। तो ये जो तीनों ही प्रकार के अधिगम है, यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग है, रूल लर्निंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, ये रिलेटेड है कॉग्निटिव एस्पेक्ट से। तो कंपैरेटिवली ये हायर है इन द हायरार्की। जैसे कॉन्सेप्ट लर्निंग है जिसको हम संप्रत्यय अधिगम भी कहते हैं। जब लर्नर एक जनरलाइजेशन बना बना पाता है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ स्टिमुलाई, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट लर्निंग। इसमें जो रिएक्शन है दैट मे बी अब्स्ट्रैक्ट, दैट मे बी कॉन्क्रीट। तो इसी के अनुसार कॉन्सेप्ट भी दो तरह के बताए जाते हैं, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट और डिफाइंड कॉन्सेप्ट।
कंक्रीट कॉन्सेप्ट यानी जब लर्नर आइडेंटिफाई कर पाता है डिफरेंट क्लासेस को इन फॉर्म ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स, या कोई फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, या इवेंट्स को क्लासिफाई कर सकता है, कैटेगराइज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्चुअल करेक्टरिस्टिक्स, यानी जैसा दिखाई दे रहा है उसके अनुसार वो कैटेगराइजेशन कर सकता है। कुछ केसेस में लर्नर उनको एक्सप्लेन भी कर पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लर्नर को तीन तस्वीरें दिखाते हैं, एक चंद्रमा की तस्वीर दिखाते हैं, एक सिक्के की तस्वीर दिखाते हैं और एक मैन होल की तस्वीर दिखाते हैं। तो लर्नर इस चीज को समझ पाता है कि भाई ये जो तीनों चीजें हैं ये एक ही कैटेगरी से संबंधित है, क्योंकि तीनों ही ऑब्जेक्ट राउंड है या गोल आकार के हैं। सिमिलरली, जब हम लर्नर को एक बोल में से रेड बीड्स को चुनने के लिए बोलते हैं तो वो बीड्स का आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो लाल रंग के आधार पर बीड्स को अलग कर पाता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट टाइप है, दैट इज डिफाइंड कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम लर्नर को बोलते हैं कि हम कुछ उसको एग्जाम्पल देते हैं और उसको बोलते हैं बताओ इसमें से कौन सा जो चेंज है वो केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है, यानी कौन सी क्रिया भौतिक है और कौन सी रासायनिक है। तो लर्नर ये आंसर तब तक नहीं दे पाता जब तक कि उसको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, यानी उसके पास डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें इवेंट या आइडियाज को डेफिनेशन के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफाइंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज रूल लर्निंग। रूल लर्निंग मतलब अधिनियम सिद्धांत अधिगम, यानी जब लर्नर चेन ऑफ कॉन्सेप्ट को लिंक करके उनको एसोसिएट करके एक रूल बना पाता है। जैसे न्यूटन्स लॉ है, बहुत सारे फिजिक्स के लॉज हैं, सोशल लॉज हैं, ज्योग्राफी में बहुत सारे लॉज हैं, मैथमेटिक्स में बहुत सारे लॉज हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें लर्नर कई सारे कॉन्सेप्ट को लिंक करके एक जनरलाइज्ड रूल को बना पाता है, और सिर्फ बना ही नहीं पाता, वो इसको समझ भी पाता है और इसको प्रयोग में भी ला पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्रामर के रूल्स है, लर्नर ये भेद कर पाता है कि उसको इज कहाँ यूज करना है, एम कहाँ यूज करना है, आर कहाँ यूज करना है, और उसको पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स में भी प्रयोग में ला पाता है। सबसे जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें लर्नर कॉन्सेप्ट और रूल को अपनी प्रॉब्लम के अनुसार मॉड्यूलेट कर सकता है, उनमें चेंज ला सकता है और उनको प्रयोग में लाता है, ताकि वो प्रेजेंट कंडीशन को, प्रेजेंट सिचुएशन को इन रूल्स और कॉन्सेप्ट की मदद से समस्या का निर्धारण कर सके और उसको सुलझा सके। तो अगर हम ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग देखें तो सभी जो लर्निंग के टाइप्स हैं ये एक तो हायरार्किकल वे में है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। सबसे सिंपल है सिग्नल लर्निंग, जो पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग से याद रखा जा सकता है, और सबसे हाईएस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जिसमें अलग अलग रूल्स और कॉन्सेप्ट को यूज करके लर्नर अपनी समस्या को सुलझा पाता है। ये मॉडल स्टेप्स फॉर प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस भी डिफाइन करता है, यानी हम इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो इसमें कई जगह पर 7 स्टेप दिए गए हैं, कई जगह पर 9 स्टेप दिए गए हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग लर्निंग आउटकम्स, यानी ये जानना कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप लर्निंग आउटकम क्या चाहते हैं, क्योंकि उसी के अनुसार लर्निंग की इंस्ट्रक्शंस को प्लान आउट किया जाता है। सेकेंड इज इंटरनल कंडीशंस ऑफ लर्निंग, यानी लर्नर की मोटिवेशन लेवल क्या है, लर्नर के प्रीवियस नॉलेज क्या है, लर्नर के इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्नर के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार ही प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसीड करता है। एंड थर्ड इज एक्सटर्नल कंडीशन, यानी क्या इन्वायरमेंट है। तो इन तीनों स्टेप्स को आप इकट्ठा भी ले सकते हैं, यानी ये वो कंडीशंस हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड किया जाना है, किस कार्य के लिए, किस लर्नर को और किन इन्वायरमेंटल कंडीशन में लर्निंग को प्रोवाइड किया जाना है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। सेकेंड है स्पेसिफाई लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, यानी ये डिफाइन करना कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दैट विल मेक योर इंस्ट्रक्शंस मोर स्ट्रीमलाइंड। देन रिकॉर्डिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी लर्नर के इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक को नोटिस करना। देन सेलेक्ट मीडिया फॉर इंस्ट्रक्शन, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, जैसे आप किसी इंस्ट्रक्शन को बोल के दे सकते हैं, किसी को रिटर्न फॉर्म में दे सकते हैं, किसी को काइनेस्थेटिक वे में दे सकते हैं, कुछ करके दिखाया जा सकता है, कोई फिल्म के द्वारा कोई चीज को प्रेजेंट किया जा सकता है।
देन द इंस्ट्रक्टर हैज टू सिलेक्ट दैट व्हाट विल बी द वे इन विच द इंस्ट्रक्शंस विल बी प्रोवाइडेड. लर्नर को मोटिवेटेड रखना हर हाल में जरूरी होता है, और लर्निंग के असेसमेंट करना दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप. असेसमेंट दो तरह से ली गई है, फॉर्मेटिव जब हम ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन इवेल्युएट करते हैं ताकि हम अपने इंस्ट्रक्शंस को और इम्प्रूव कर सकें, दैट विल बी कॉल्ड एज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. और जब हम इंस्ट्रक्शंस के खत्म हो जाने के बाद असेसमेंट लेते हैं ताकि हम ये जान सके कि हमारी इंस्ट्रक्शंस कितनी सक्सेसफुल हुई, कितनी इफेक्टिव रही, दैट विल बी कॉल्ड एज समेटिव असेसमेंट. सो दीज आर द सेवन और नाइन स्टेप्स फॉर प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट कम्स नाइन इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जब इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं तो इंस्ट्रक्शंस के दौरान कौन कौन से इवेंट्स प्रस्तुत होते हैं. फर्स्ट इज अटेंटिवनेस. सबसे पहला कार्य क्या है कि लर्नर को अटेंटिव बनाया जाए ताकि लर्नर आपकी बातों पे, आपकी इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान दे. तो अटेंटिवनेस यानी गेनिंग अटेंशन. इसके लिए अध्यापक अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके प्रयोग में लाते हैं. कुछ अध्यापक वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, ऊंचा बोल के थोड़ा अटेंशन गेन करते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि अध्यापक बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं तो उससे भी लर्नर का ध्यान जाता है कि अध्यापक साइलेंट क्यों है. तो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिससे आप लर्नर की अटेंशन को गेन कर सकते हैं. आप इसमें कोई टीचिंग एड्स भी यूज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ पिक्चर प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं जिससे लर्नर का ध्यान आपकी तरफ यानी इंस्ट्रक्शंस की तरफ जाए. सेकेंड इवेंट इज एक्सपेक्टेंसी. एक्सपेक्टेंसी मतलब जब हम लर्नर को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानकारी देते हैं कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं. जरूरी नहीं है कि इसको बिल्कुल फ्लैटली बताया जाए कि आप ये सीखने वाले हैं. अलग अलग तरीकों से लर्नर को कुछ जानकारी दी जा सकती है कि आगे उसको क्या प्रस्तुत किया जाना है. नेक्स्ट इज रिट्रीवल ऑफ वर्किंग मेमोरी. अब हर तरह की लर्निंग में कुछ ना कुछ प्रायर लर्निंग की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ वर्किंग मेमोरी चाहिए होती है, कुछ ना कुछ पुराना स्किल, कोई कंपोनेंट ऑफ स्किल चाहिए होता है जो इसके आगे आप नई लर्निंग को जोड़ना चाहते हैं. तो उस लर्निंग को जो कि पहले से लर्नर के पास है उसको रिट्रीव करना, उसको पुनः स्मृति में लाना और उसको वर्किंग मेमोरी में डालना ताकि पुरानी जानकारी के ऊपर नई जानकारी को जोड़ा जा सके, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. देन फोर्थ स्टेप इज सिलेक्टिव परसेप्शन. सिलेक्टिव परसेप्शन मतलब जो असल में इंस्ट्रक्शंस में होने वाला है, यानी वो सब जो इंस्ट्रक्शंस आपने तैयार करी हैं उसको आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, आप अपने कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से करते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस जरूरी होती हैं अगर आपका डिफरेंट लर्निंग आउटकम है, यानी एक ही इंस्ट्रक्शंस के तरीके को सारे लर्निंग आउटकम्स पे लागू नहीं किया जा सकता. जिस तरह का लर्निंग आउटकम चाहते हैं उसके अनुसार ही आपको लर्निंग इंस्ट्रक्शंस बनाने की जरूरत होती है. लेकिन दो चीजें सभी जगह काम आती हैं. पहला, जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं यानी चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं तो उससे लर्नर को सीखने में ज्यादा आसानी होती है. और जितना इंस्ट्रक्शंस मीनिंगफुल होंगे, लर्निंग कंटेंट जितना मीनिंगफुल होगा उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा. नेक्स्ट इज एनकोडिंग एंट्री टू द एलटीएम स्टोरेज. एलटीएम स्टोरेज यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज. हमने दोनों तरह की मेमोरी के बारे में जानकारी लिया है, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी. शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब ट्रांसफर की जा सकती हैं तो ऐसी जानकारियों को मस्तिष्क ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाता है. अब लर्नर को इस स्टेप के लिए यानी कैसे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज करे, इसमें लर्नर को कुछ गाइडेंस की जरूरत हो सकती है. तो अगर इंस्ट्रक्टर कुछ ऐसा गाइडेंस प्रोवाइड करे, कुछ लर्नर के अटेंशन कुछ उन डिस्टिंक्टिव फीचर्स पे लेके आए जिनको लर्नर को याद रखना चाहिए, ज्यादा लंबे समय तक उसको मेमोरी में बनाए रखना है, तो इससे लर्नर को सहूलियत होती है. तो ये एक तरीका है जिससे ऐसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना जिससे लर्नर कुछ खास, कुछ मीनिंगफुल कंटेंट के ऊपर, कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स के ऊपर ज्यादा अटेंशन दे ताकि वो उसको लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सके. नेक्स्ट स्टेप इज रिस्पॉन्डिंग. अब ये इंस्ट्रक्शंस का काम तो हो गया, अब लर्नर भी कुछ रिस्पॉन्ड करे, लर्नर भी कुछ करके दिखाए, यानी एलिसिट परफॉर्मेंस. यानी जब लर्नर कुछ करके दिखाता है तब अध्यापक को या इंस्ट्रक्टर को ये जानकारी होती है कि लर्नर ने कितना सीखा ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, उसमें करेक्शन लाई जा सके. तो इसके लिए कई प्रैक्टिस सेशंस हो सकते हैं.
या कोई रिव्यू सेशंस हो सकते हैं, या कुछ लर्नर को डेमोन्स्ट्रेट करने को कहा जा सकता है, लर्नर को कुछ कार्य करने को कहा जा सकता है जिससे लर्नर अपनी परफॉर्मेंस को करके दिखाता है। नेक्स्ट स्टेप इज रीएनफोर्समेंट। अब लर्नर जब कुछ कार्य करता है तो अध्यापक का काम है कि वो उसको प्रॉपर फीडबैक दे ताकि इम्प्रूवमेंट आए। एंड नेक्स्ट स्टेप इज इवेल्युएशन, जिसमें असेसमेंट होता है। असेसमेंट या इवेल्युएशन लर्नर का भी हो सकता है और इंस्ट्रक्टर ने किस तरह से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी है उसका भी असेसमेंट या इवेल्युएशन जरूरी है। लास्ट स्टेप इज क्यूइंग रिट्रीवल। क्यूइंग रिट्रीवल मतलब जब हमने जो लर्निंग करी है उसको अगर हमने कहीं और जगह पे किसी और कंडीशन में किसी और तरीके से हमने उस लर्निंग को ट्रांसफर करना है तो लर्नर अपनी लर्निंग को नए एनवायरमेंट में नई सेटिंग में कैसे ट्रांसफर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूइंग रिट्रीवल। क्यूइंग रिट्रीवल का मतलब जब हम कुछ इशारा दे देते हैं कि आप इस तरह से आप अपनी जानकारी को नई सिचुएशन में लागू कर सकते हैं। तो ये जो सभी हमने जो डिफरेंट इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़े ये बेसिकली रिलेटेड है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास जो डिफरेंट स्टेप्स थे ये ज्यादातर बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज के ऊपर डिपेंडेंट है और जो इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये ज्यादातर कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड है। गेने के अनुसार जो डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स हैं उनको पांच परफॉर्मेंस कैटेगरीज में रखा जा सकता है। ये जो पांचों कैटेगरीज हैं ये स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लर्निंग कैपेबिलिटीज को डिफाइन करती हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंस रिटेंशन ऑफ लर्निंग के ऊपर है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स के ऊपर है, लेकिन सभी पांचों कैटेगरीज में आप देखेंगे कि ऐसे लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन किया गया है जो कि ऑब्जर्वेबल है और मेजरेबल है ताकि हम ये जान सकें कि इंस्ट्रक्शंस कितनी और किस तरह से सक्सेसफुल हुई हैं। ये पांचों कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज वर्बल इंफॉर्मेशन, जब लर्नर अपनी जानकारी को शब्दों के द्वारा बता पाता है, ऐसी नॉलेज को जिसको आई नो टाइप स्टेटमेंट में बताया जा सकता है कि उसने क्या याद कर लिया है, किस तरह से समझ लिया है किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड एज डेक्लरेटिव नॉलेज। तो डेक्लरेटिव नॉलेज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के साथ रिलेटेड हो सकती है, उसने किसी कॉन्सेप्ट को या किसी प्रोसीजर को किस तरह से समझा है उसके साथ रिलेटेड हो सकती है, यानी जब शब्दों के द्वारा अपनी जानकारी को बताया जा सके दैट विल बी कॉल्ड एज डेक्लरेटिव नॉलेज। सेकेंड इज कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज मतलब कि आप अपने लिए क्या प्लानिंग बनाते हैं कि आप किस तरह से याद करते हैं या किस तरह से सीखते हैं। तो अपने लिए कोई पर्सनल वे को डिफाइन करना या इस्तेमाल में लाना, अपनी लर्निंग को गाइड करना, अपनी थिंकिंग एक्टिंग या फीलिंग को गाइड करना ताकि आप खुद अपने लिए तरीके खोज सके, दैट इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम किसी भी टॉपिक का माइंड मैप बनाते हैं या कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं। अब एक ही टॉपिक के कॉन्सेप्ट मैप हर लर्नर के लिए अलग अलग हो सकता है क्योंकि वो उसका अपना स्टाइल है कि वो किस तरह से चीजों को याद रख सकता है या किस तरह से चीजों के बारे में जानकारी बनाता है। तो इसमें बहुत ओरिजिनलिटी डेमोन्स्ट्रेट हो सकती है, गाइडेड थिंकिंग हो सकती है जिससे लर्नर खुद अपने सीखने के तरीकों को कंट्रोल कर पाता है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स मतलब यानी जब हम वर्बल और नॉन वर्बल सिंबल्स को प्रयोग में लाते हैं और ये जान पाते हैं कि हमने इन कॉन्सेप्ट्स को इन रूल्स को किस तरह से यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटेलेक्चुअल स्किल्स। बेसिकली ये प्रोसीजरल नॉलेज के साथ संबंधित है जिसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के सिंबल्स को प्रयोग में ला सकते हैं। लर्निंग को एक और तरीके से असेस किया जा सकता है, दैट इज मोटर स्किल। कुछ चीजें हैं, कुछ लर्निंग है जिसको कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से शो किया जा सकता है। तो कोई लर्नर कितना कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की एबिलिटी रखता है, उसके मसल कितने सही तरीके से, कितने प्रिसाइजली और स्मूथली और बिल्कुल टाइमली परफॉर्म करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मोटर स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे डांस मूवमेंट्स हैं या कोई और प्रोसीजर, कोई स्किल है, कोई और ऐसा काम है जिसमें मसल्स को प्रयोग में लाया जाता है, दैट ऑल्सो मे बी वन वे ऑफ असेसिंग द लर्निंग आउटकम्स। एंड अनदर वन इज एटीट्यूड। लर्निंग का एक और बड़ा इम्पोर्टेंट आउटकम है दैट इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग द फीलिंग्स, इमोशंस, आपके पर्सनल एक्शन, आप किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं, दैट विच फॉर्म्स द एटीट्यूड।
तो इस तरह से हमने देखा कि जो पांचों परफॉर्मेंस कैटेगरीज हैं ये सभी तरह के डोमेन्स को कवर करती हैं, यानी वर्बल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, मोटर और बिहेवियोरल। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। अब ये मॉडल बहुत प्रयोग में लाता है लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहले डिसएडवांटेज तो ये है कि ये मिलिट्री सेटिंग में ज्यादा सक्सेसफुल है, ये मॉडल डेवलप ही मिलिट्री सेटिंग में हुआ है, तो इसमें मॉडल में कुछ थोड़ी एक सेट रूटीन पैटर्न है, सिस्टमेटिक नेचर ऑफ लर्निंग है। तो ऐसा जो सिस्टमेटिक लर्निंग है या रूटीन लर्निंग है ये सभी लर्नर के लिए सूटेबल नहीं होता, स्पेशली उनके लिए जिनको कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज हैं। ऐसे लर्नर के लिए हमें ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की जरूरत होती है, यानी हम अपने प्रोसेस को किस तरह से और सिंपल बनाएं ताकि हम डिजायर्ड गोल को अचीव कर सकें। दूसरा जो मेजर डिसएडवांटेज है कि ये मॉडल सभी टीचिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर लागू नहीं होता। कुछ टीचिंग सब्जेक्ट जैसे फिलोसफी है, कोई ऐसा टीचिंग सब्जेक्ट जिसमें गाइडेड असिस्टेंस की जरूरत है, जिसमें टीचर कुछ नए आइडियाज प्रेजेंट करना चाहता है जिसको अगर क्लियर ना किया जाए तो लर्नर को कंफ्यूजन हो सकती है, या कोई क्रिटिकल थिंकिंग है, तो ऐसी चीजों के बारे में ये मॉडल इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। दिस मॉडल इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टिव इन क्रिएटिव एंड इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन। तो ये मॉडल ऐसी टीचिंग के लिए ज्यादा सक्सेसफुल है जहां पर ज्यादा चैलेंजिंग और इमेजिनेटिव वेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मॉडल अपने आप में क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा प्रोवाइड नहीं करता। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द एडवांटेजेस। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस मॉडल में। पहला है कि ये एक अकेला मॉडल है जो कि सभी डोमेन्स को इंटीग्रेट करता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइको मोटर सभी तरह के डोमेन्स इसमें कवर्ड है। आमतौर पर मॉडल देखें कि वो किसी एक डोमेन के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन ये मॉडल सभी तरह के डोमेन्स में को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है और एटीट्यूड ऑफ लर्नर को भी ध्यान में रखता है। इट अलाउज ट्रायल एंड एरर फॉर परफॉर्मेंस एट इंडिविजुअल लेवल। तो इसमें बहुत फैसिलिटी है कि इंस्ट्रक्टर अपने लर्नर के अनुसार, अपने लर्नर की कैपेबिलिटीज के अनुसार इंस्ट्रक्शंस को चुनाव कर सकता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल के लर्नर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें टीचर को हिट एंड ट्रायल की, यानी कोई रिजिडिटी नहीं है कि आपने इसी तरह से इसी स्टेप में इसी सीक्वेंस में आपने इसको यूज करना है, आप अपने अनुसार इसमें बदलाव ला सकते हैं। एम्फोसिस ऑन लर्नर एंगेजमेंट इन लर्निंग एंड बेटर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ज्यादा जोर किसमें है कि लर्नर को एंगेज किया जाए लर्निंग में ताकि वो बेहतर तरीके से सीख सके और जो भी इंफॉर्मेशन उसको दी गई है उसको ज्यादा समय तक याद रख सके। तो इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा कि अगर हम लर्नर को पहले से बता देते हैं कि आप ये चीजें सीखने वाले हैं तो उससे लर्नर ज्यादा एंगेज फील करता है। जब हम सारी इंस्ट्रक्शंस को लर्नर के आसपास उसकी जरूरतों के अनुसार करेंगे तो उससे लर्निंग बेहतर होगी और वो इंफॉर्मेशन को भी ज्यादा देर तक रिटेन कर पाएगा। इट हाईलाइट्स द फॉर्म ऑफ कंडीशन दैट एड्स द लर्निंग प्रोसेस। तो ये जो सारा मॉडल है ये सारा बुना ही इस चीज के आसपास है कि क्या कंडीशंस बनाई जा सके जिससे लर्निंग को और बेहतर बनाया जा सके। लर्निंग एक ऐसा कार्य है जो कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। गेन ने मानते थे कि लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सिर्फ जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट नहीं होता, इन्वायरमेंट का भी रोल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी अपना रोल है। लर्निंग को डिफाइन किया गेने ने एज ए मीन्स ऑफ एक्वायरिंग स्किल दैट आर नेसेसरी फॉर सोशल एक्सेप्टेंस। यानी लर्निंग या अधिगम का मतलब यह है कि वो किसी भी मनुष्य के संस्कारों में या उसकी कुशलता में परिवर्तन लाता है, जिसको विद्यार्थी केवल आ, आ, सिर्फ विद्यार्थी की जेनेटिक्स के ऊपर ही नहीं हम कह सकते, इसमें विद्यार्थी के व्यवहार में वो परिवर्तन तभी हो पाते हैं जब वो परिवर्तन लंबे समय तक बने रहते हैं, उससे लर्नर को सोशली एक्सेप्टेंस में मदद मिलती है। लर्निंग इज स्किल, ये ग्रेजुअल होना चाहिए यानी लगातार धीरे धीरे होना चाहिए, हायरार्कियल होना चाहिए यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए, और प्रीवियस लर्निंग पे बेस्ड होना चाहिए। तो जैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं उसके लिए पहले जो सिंपलर स्किल्स हैं दे शुड बी डेवलप्ड, दे शुड बी मास्टर्ड बाय द लर्नर। तो टीचर आमतौर पे इन सभी जो इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है इनको लेसन प्लानिंग में यूज करते हैं, मॉडर्न क्लासरूम्स में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में प्रयोग में लाया जाता है। ज्यादा चैलेंजिंग ये मॉडल इसलिए है क्योंकि इसमें टीचर को इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि उसको कब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से
शिफ्ट होके सही समय पे लर्नर को क्रिएटिव वर्क के लिए या अपनी नॉलेज को यूज करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। तो ये इस मॉडल का सबसे बड़ा चैलेंज है, अध्यापक को इस चीज में स्किल डेवलप करने की जरूरत पड़ती है।